हेलो फ्रेंड्स, टेक बेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपके RGHS वॉलेट की लिमिट है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना SSOID लॉगिन कर लेनी होगी। उसके बाद में आपको क्विक सर्च में जाकर RGHS लिखना होगा और इस पर एंटर दबा देना होगा। तो यहाँ पर RGHS का जो टैब है कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद आपको RGHS पे क्लिक करना होगा। इसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट को क्लोज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर RGHS कार्ड लिमिट ट्रैकर पे क्लिक कर देना होगा। इस तरह से जैसे ही आप RGHS कार्ड लिमिट ट्रैकर है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, OPD और IPD। OPD की जो आपकी ईयरली लिमिट है वो है 20,000 रुपीज। तो आप अभी तक आपने जितने मेडिकल बिल्स या जितनी भी डॉक्टर विजिट की है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे OPD पे क्लिक करते। तो आप जैसे देख सकते हैं टोटल मेरी 1 ईयर की लिमिट है वो है 20,000। तो यहाँ पर 20,000 मैक्सिमम लिमिट है और मैंने यूज लिमिट 3,113 रुपीज है। तो मेरे जो करंट वॉलेट की लिमिट है वो 16,887 रुपीज अभी भी यहाँ पर है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने मेडिसिन शॉप पे विजिट किया था 2 बार 20 या 22 को, तो यहाँ पर आ चुका है। और इसी तरह से अगर IPD यानी जो आप इंडोर पेशेंट में, वहां पर आपकी लिमिट होती है 5,50,000, जो कि बढ़ती है घटती रहती है समय के साथ में, इसलिए यहाँ पर लिखा है एज पर द रूल एप्लीकेबल। तो अभी जो है लिमिट वो 5,50,000 रुपीज है। तो मैं इसका जो एक बार एडमिट करवा चुके हैं तो 87,287 की जो लिमिट है वो यूटिलाइज हो चुकी है। तो इस तरह से जो भी आपकी लिमिट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, उसको 5,50,000 में से माइनस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो यूज लिमिट है उसको आपको टोटल लिमिट जो है 5,50,000 माइनस करके आपका करंट बैलेंस आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो संबंधित कोई भी कमेंट सोचा है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।